चले चले वहाँ वहाँ जाइए ना, वहाँ सभी खड़गपुर हवेली की महान जनतागण, यहाँ पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता अभिभावक जयप्रकाश जी, प्रत्याशी अरुण शाह जी और बाजार में जितने हमारे व्यवसायिक हैं और ग्राहक हैं, सभी लोगों का दिल खोल करके हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस नुक्कड़ सभा में। और आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो अपने भाई बेटे को आपने आशीर्वाद और प्रेम और समर्थन दिखाने का काम किया है, आप सब लोगों के हम आभारी हैं। सब लोग जान रहे हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव 2 सीटों पर पूरे बिहार में होने जा रहा है। एक दरभंगा का कुशेश्वर स्थान में हो रहा है, एक तारापुर में चुनाव हो रहा है। और चुनाव दोनों जगह किस कारण से हो रहा है ये आप सब लोगों को पता है। जो यहाँ के वर्तमान जो समय के विधायक रहे मेवालाल चौधरी जी का देहांत हो गया, जो कुशेश्वर स्थान के जो विधायक रहे शशिभूषण हजारी जी उनका देहांत हो गया, इस वजह से दोनों जगह जो है उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी नाकामयाब रहे और उनका जो सिस्टम हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य अस्पताल का पूरा जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ के विधायक मेवालाल चौधरी जी लगातार फोन करते रह गए जब बीमार अवस्था में थे कि अस्पताल में हमको भर्ती ले लीजिए, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, उपचार नहीं मिला। तो वही असली कारण है कि सही मायने में स्वास्थ्य सिस्टम काम नहीं किया, इस वजह से जो है विधायक का जो है निधन हुआ। अगर सही से उपचार हो जाता, बिहार सरकार अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करती, आईसीयू की व्यवस्था करती, ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, एडमिट करते, अच्छा इलाज होता, तो यहाँ उपचुनाव की जरूरत नहीं होती। तो निधन आखिर हुआ है तो सरकार की विफलता के कारण हुआ है। और ऐसे कई मरीज कहीं भी चले जाइए, कहीं भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। आज चले जाइए, महंगाई इतना ज्यादा है, सब लोग भुगत रहे, डीजल पेट्रोल गैस चूल्हा का दाम आसमान छूता जा रहा है, लोगों का खाली आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग कुछ है ही नहीं। आप देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर। हम बोले थे पिछला चुनाव में, पिछला चुनाव में तो छोड़िए ना, लोग कह रहा था ना, देखे ही होंगे आप लोग कि 10 नवंबर को जो है 4 बजे तक हम लोग जीत गए, फिर काउंटिंग रोक दिया गया, फिर 10 बजे के बाद 2 बजे तक जो है 2-4 सीट पे हेरा फेरी करके एनडीए गठबंधन को जीता है। लेकिन पिछला चुनाव में हमने क्या कहा था, हम ऐसी सरकार देंगे, कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम। आप देखिएगा ना दवाई है, ना पढ़ाई है, ना कमाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना कार्रवाई है, खाली होम डिलीवरी से कहीं इलाज विलाज हो रहा, कहीं पढ़ाई लिखाई हो रहा, कहीं रोजगार मिल रहा, कहीं सिंचाई की व्यवस्था है। यूरिया जाए खरीदने तो कितना महंगा हो गया। हम बोले थे उस समय कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को। नीतीश कुमार जी बोले कि असंभव है, बोले हो ही नहीं सकता। हम बोले इतना रिक्त पद है, सबको भर देंगे। तो भाजपा वाला बोलता था कि भाजपा का चेहरा नीतीश कुमार जी थे, वो बोलते हैं असंभव है जो मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा वाला बोलता 19 लाख रोजगार देंगे। आप बताओ एक साल हो गया कि नहीं हो गया, कितना लोगों को रोजगार मिला? 15-15 लाख रुपया बोलते थे खाता में जाएगा।
अरे 15-15 लाख के कम से कम 15-15 हजार कोनिए करा देता। कुछ हो रहा है, कोई काम धंधा सब कुछ लोगों का चौपट हो गया। अब बोलता क्या है, डबल इंजन का सरकार, केंद्र में राज्य में डबल इंजन का सरकार। ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन। डबल इंजन के सरकार को जो जनता का नहीं है, जो गरीबों का नहीं सोचता, जो नौजवानों के भविष्य को नहीं सुधारना चाहता, जिसको केवल और केवल अपने कुर्सी से प्यार है, जो अपने विधायक का जान नहीं बचा सकता, अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकता, वो किसी और का नहीं हो सकता। आप सब लोगों से हम अपील करने आए, यहाँ अरुण शाह जी को उम्मीदवार पार्टी के लोगों ने बनाने का काम किया, लालू जी ने, जयप्रकाश जी ने, पार्टी के सभी लोगों के राय मशवरा से अरुण शाह जी को यहाँ से टिकट मिला है। हमको लगता है कि यही के लोकल है, तारापुर के, और ईमानदार है। और दूसरा लोग जो लड़ रहा है, उन लोगों का थोड़ा बायोडाटा दे, आपको कुछ नहीं किया। तो इसलिए ईमानदार है, मेहनत करेंगे, आप एक मौका दीजिए। और जो 2020 में एक साल पहले जो बेईमानी और चोर दरवाजा से इन लोगों ने सरकार बनाया था, अगर हमको मौका मिलेगा, अगर आप सीट झोली में डालने का काम कीजिएगा, तो इन बेईमानों का सरकार को खाने का काम करेंगे। सब लोग अच्छा फील करते हैं कि सभी समाज के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लालटेन पर पटक दबा करके अरुण शाह जी को भारी मतों से विजय बनाइए और लालू जी के हाथ को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।